भैया फाइनली कंचन ब्लॉग यानी हमारी शादी हो गई, लेकिन फील नहीं हो रहा कि हमारी शादी हुई है। देखो जी, हमारा मेकअप स्टार्ट हो गया है, दुल्हनिया बनने के लिए तैयार हैं और सारे जितने भी यूट्यूबर व्लॉगर सब आ गए हैं। हाँ बोलिए, जो बोल रहे थे अभी आप। देखो जी, ये जो हमारे कैमरा मैन है ये बोल रहे हैं लहंगा बहुत भारी है और उसको कैरी वहाँ टांगने में इनके पसीने आ गए। बोल रहे हैं आप कैसे कैरी करोगी, अब पता नहीं इतना खाना खाया हमने कि नहीं खाया, पता चला लहंगा डालने के बाद अब चले जाए। 10 किलो से नीचे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे आप इसको पहन सकती हैं। बस भैया का होई आज हमार, हमका पता नहीं ना। रेडी हो गई हूँ, कुछ बचा है और देखो बुक्कर दुल्हन पूरी प्लेट लेके बैठी है, खा रहे हैं और मेरी बारात आ गई है, दूल्हा बाहर खड़ा है। मुझे लगा था मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी आपको, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, फिर भी मेरा कैमरा जा रहा है और आपको बाहर का व्यू दिखा रहा है, जाके दिखा रहे, ठीक है? थोड़ा सा सूट करके आ जाना वापस। तो गाइस, आप लोग फाइनली देख रहे हैं कि हम लोग दीदी के कमरे से ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हम फोटोग्राफर्स हैं और ये खाने के जितने भी इंस्टॉलमेंट लगे हैं दीदी के घर के जस्ट पीछे लगा हुआ है। सौरभ थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ करो। ये जो पहला इंस्टॉल है ये पान का है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के जिला रायबली में हैं और पान उत्तर प्रदेश की शान होता है। और ऊपर की तरफ करें सौरभ, सामने दिख रहा है गोलगप्पे का इंस्टॉल और फिर उसके बाद चाउमीन का है, फिर उसके बाद पाव भाजी का भी है, मंचूरियन का भी है और फिर इधर खाने में मेन्यू में कुछ लगे हुए हैं, सूखी सब्जियां वगैरह, काफ़ी तरीके की सब्जियां बनवा रखी हैं दीदी ने और रोटियां भी हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहां से दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग नीचे गए नहीं हैं, हम लोग दीदी का पार्लर शूट कर रहे हैं तो कमरे से बाहर अभी हम लोग नहीं निकले हैं। तो अभी इससे पहले और भी ज़्यादा भीड़ थी तो उस समय हम लोगों ने नहीं बनाए थे क्योंकि उस समय इंस्टॉल नहीं दिख रहे थे। अभी फाइनली दीदी ने कहा कि सुशील अब शूट कर लो तो हमने शूट कर लिया। द्वार पूजा हो रही है, हम आपको चल के दिखाते हैं। ये रहे दूल्हे। तो तुम रिलैक्स हो, फर्जी जो टाइम कुछ नहीं है, आप बीच में जाओगे ना? सब लोग चेहरे पे स्माइल रखो। अरे आराम से
चेहरा ही नहीं आ रहा दोनों का, दोनों का चेहरा ही नहीं आ रहा। यानी हमारी शादी हो गई, लेकिन फील नहीं हो रहा कि हमारी शादी हुई है। ये हम कैसे लागी थी अभी तक का अपने आप का देखे नहीं रही ना, देखो अब देखी थी, पता नहीं अच्छी लागी कि नहीं। हमारे नथिया का एक को चुन नहीं अच्छी लागत, और हमारी मेकअप आर्टिस्ट से बहुत कंप्लेन है, वो हमारी चुन्नी नहीं टक्की थी, और हमारा ये देखो कैसा है, सब कुछ हमको बेकार लगा। अंजलि देख लो, मुझे बिल्कुल भी आपका मेकअप नहीं पसंद आया, सबको आया होगा लेकिन मुझे नहीं पसंद आया, मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ है, ये हो रहा है, और चुनरी भी नहीं टक हुई थी। तो देखो जी इधर चल रहा है हमारा फोटो शूट, ये सारे हमारे कैमरामैन, एक को पोज मिस हो जाए पैसा ना दे भाई। और इधर देखिए थोड़ा साइड होइए, दीपक चोंगर जी और सब लोग डांस कर रहे हैं वहाँ पे, उनका आवाज दे दो, ये देखो। तो भाई सब हो गया डांस वांस भी, आ गए अभी खाना खाने के लिए। ये देखो क्रेन लगी इतनी बड़ी, इसका क्या काम था मुझे नहीं पता। और इधर खाना चल रहा है, सबका खाना हो गया, बस हम ही बचे हैं खाना खाने के लिए। और हम रो भी लिए क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो नहीं रहा है, इसीलिए हमको गुस्सा आ रही है। और ये बताइए सारे फोटोज हो गए हैं या अभी बाकी हैं? अनिल भैया, अनिल भैया, सारे फोटोज हो गए कि कुछ बाकी है? दीदी फोटोज सारे हो गए हैं, जीजा के अकेले के बाकी थे, आपके अकेले के बाकी। तो अभी हम आ गए खाना खाने के लिए, और ये देखो हमारी प्लेट में क्या क्या दिया है, पता नहीं क्या क्या बना था, हमको पता भी नहीं। हमारी प्लेट में है ये रोटी है, पूड़ी है, और क्या क्या है, चावल, पापा इधर, दीदी इधर, और हमारे देवर जी उधर है,
सभी लोग खाना खा रहे हैं। तो भाई हमारी शादी में सारा मैनेजमेंट हमको देखना पड़ा था, हम देख भी रहे थे लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ, बस सिवाय एक चीज के, वो हम आपको बताते हैं क्या है। वो है ये भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, खाने का अरेंजमेंट सबसे ज्यादा अच्छा था, थैंक यू सो मच। ये भैया हैं, आप अपना नाम बताइए। ज्ञान भैया हैं, और आपको अगर खाने में बुकिंग के लिए चाहिए तो आप इनको बुक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सर्विस बेस्ट है, मतलब 10 5 स्टार नहीं 10 स्टार रेटिंग देंगे हम आपको। आप सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। जितने लोग हैं ना, आप लोग हमारी वीडियो में आएंगे, अपना अपना फोन निकालिए, कंचन ब्लॉग चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब लोग का वीडियो आएगा, ठीक है, अभी कर लीजिए। या देखो ये हाथे में कंचन ब्लॉग लिखवाए हैं, इनका देखो। ओके जी, तो आप लोगों ने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, इतने पेशेंस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और माफ़ी चाहेंगे कि हमारी ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आई है। उसका रीज़न ये है कि शादी के बाद ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब तबीयत वो वाली नहीं ख़राब हुई थी कि फीवर आ गया और सर दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ ये सब नहीं हुआ था। एक्चुअली में हुआ ये था कि शादी के बाद ना, मतलब हमारा माइंड ही काम करना बंद कर दिया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम एक अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा होता होगा, जिन लड़कियों की शादी होती है सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि शादी के बाद नए घर में जाना और फिर दोनों चीज़ें दिमाग में चलती ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। खैर छोड़िए इस बात को, अभी फ़िलहाल हम ठीक हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा पहले से बेटर हैं। तो अभी हम वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं, तो अब डेली वीडियो आएंगी, सुबह शाम दोनों टाइम आएंगी। तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड फैमिली यार दोस्त जिससे मन करे सबके पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी कल अपने टाइम पे। कल से दो वीडियो आएंगे, एक मॉर्निंग में आएगी और एक आएगी इवनिंग में, तो वो टाइमिंग हम आपको इंस्टाग्राम पे बता देंगे, तो जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।